दोस्तों एंड वेलकम बैक टू फैन ब्लेज मैं हूं अकुल ढींग्रा एंड कल 143 डेज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रहा है चाहे वो एम टी ग्राउंड में हो मगर द रोज बोल साउथन में है कल फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ द विजडन ट्रॉफी इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज एंड अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है दैट मीनस हम भी आपके लिए आ रहे हैं गिविंग यू फैंटेसी क्रिकेट टिप्स ट्रिक्स टीम्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट पूरे मैच का प्रीव्यू कि वो सारा आप फॉलो करके सारा ज्ञान फॉलो करके आप अपनी भी मजेदार टीम्स बना सके अक्रॉस ऑल फैंटेसी मीडिया फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म्स एंड होप यू गैस विन बेग तो क्या क्या आ रहा है आपके सामने हेड टू हेड रिकॉर्ड दूंगा मैं आपको पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इन टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के प्लेयर्स कौन खेलने वाले हैं क्या टीम हो सकती है कौन से प्लेयर्स टू वॉच आउट है वो सब मिलेगा सेम चीज विंडीज वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के बारे में भी मिलेगा फैंटेसी टीम्स दे रहा हूं आपको मल्टीपल फैंटेसी टीम्स दे रहा हूँ देखना आप आगे आने वाली हैं एंड साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी काफी सारे दूंगा एंड क्यों आपको वैसे पिक करना चाहिए वो भी दूंगा विद अ इंपॉर्टेंट फैंटेसी ज्ञान जो मैं आपको उसी स्लाइड पे देने वाला हूं एंड ऑफ कोर्स एंड में मैं दूंगा आपको अपनी प्रिडिक्शंस एंड वो देखते हैं सही आएगी या नहीं पाँच दिन का टेस्ट मैच है उसके बाद ही पता चलेगा तो आइए लेट्स डाइव इन द हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ बोथ द टीम स्ट्रेडअप ओवरऑल 1928 से खेल रही हैं ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ

इंग्लैंड में हुई थी वो इंग्लैंड जीती थी मगर था एक फ्रॉम इंग्लैंड मगर वेस्ट इंडीज प्लेडवेल फास्ट प्लेड वेल, एंड दे मैनेज टू विन वन टेस्ट मैच देर रोज जो ग्राउंड है जहां पे में मैच हो रहा है एक नया ग्राउंड है यहां पे ओवरऑल तीन ही टेस्ट मैच हुए हैं दो ड्रॉ सॉरी uh, दो जीती है इंग्लैंड और तीसरे वाली ड्रॉ हुआ है उनका टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ वो ड्रॉ है एंड सार्डली दोनों जो इंग्लैंड की विंस है इस ग्राउंड पे वो दोनों विंस इंडिया के अगेंस्ट आई हैं वेस्ट इंडीज यहां पे नहीं खेली है टेस्ट मैचेस मगर अगर लास्ट टेन टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड हेड टू तो हेड देखा जाए इन दोनों टीम्स का क्योंकि वन टेस्ट तो बहुत पुराना जाता है लास्ट टेन टेस्ट मैचेस में फोर फोर इक्वल रिकॉर्ड है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मगर और भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है इंग्लैंड घर पे बहुत अच्छा खेलती है एंड लास्ट टेन मैचेस जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के इन इंग्लैंड हुए हैं एट वन का रिकॉर्ड है टू इंग्लैंड तो काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है एंड एक्सपेक्ट कीजिए कि इस मैच में भी इंग्लैंड गो इन एज फेवरेट पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट क्या है रेन इज एक्सपेक्टेड दोस्तों पहले दो दिन में बारिश होएगी स्टॉपेजेस होगी मगर उसके नेक्स्ट थ्री डेज बहुत ही क्लियर वेदर है एक्सपेक्ट मत करू कि ड्रॉ होएगा ये टेस्ट मैच रिजल्ट जरूर आएगा क्योंकि यहां का जो पिच है देखो सलाइवा तो अब नहीं यूज कर सकते बॉल पे मगर एक्स्ट्रा ग्रासी विकेट होने वाली है क्योंकि वो जो सलाइवा के साथ यूज करके बॉल को शाइन देते थे वो तो अब हो नहीं सकता तो उसको इक्वल आउट करने के लिए आई थिंक इंग्लैंड जो सदामटिन का पिच है थोड़ा और ग्रासी बनाएगी तो फास्ट बोलर्स विल इन्जॉय बोलिंग और लाइक ऑलवेज इंग्लैंड में कहीं पर भी मैच हो फास्ट बोलर्स ऑलवेज इंजॉय बोलिंग देयर बट ये जो ग्रास है इसके जो अंडर पिच uh, होता है वो थोड़ा ड्राई होता है सो रिमेंबर दैट दोस्तों बिकॉज ओवर द थर्ड डे अगर फर्स्ट टू डेज देखिए बारिश होगी तो ग्रास भी ग्रीन रहेगी मगर थर्ड फोर्थ डे अगर फोर्थ फिफ्थ डे पे टेस्ट मैच जाता है तो ये ग्रास जो है ऑफ तौ, जो टॉप लेयर होता है वो थोड़ा ड्राई होने लगता है एंड एक बार वो ड्राई हो गया उसके नीचे पिच तो ड्राई है तो टेस्ट मैच में इस यहाँ के टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स विल कम इन पिछला जो इंडिया के साथ टेस्ट मैच था यहां पे मोइन अली ने फाइव विकेट हॉल लिया था याद रखना जो खेल नहीं रहा मोइन अली बट फिर भी तो अगर ये डेज फोर एंड फाइव तक टेस्ट मैच जाता है तो स्पिनर्स विल कम इन बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक ये इतना डीप टेस्ट मैच जाएगा इट्स गोइंग टू बी बोलर फ्रेंडली विकेट फास्ट बोलर्स आर गोट टू इन्जॉय हेअर काफ़ी विकेट्स गिरेंगी काफ़ी लो स्कोर होंगे ये मेरी प्रिडिक्शन है ऑल्सो क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं इतने दिन के बाद कंपेटेटिव क्रिकेट भी खेलने वाले हैं तो थोड़ा बैट्समैन के लिए मुश्किल होएगा सीधा अगर उनको टफ कंडीशन दे दी तो एक्सपेक्ट करिए कि जो तीन सौ का जो स्कोर होता है फर्स्ट रिंक्स में अगर बना लिया एक बहुत अच्छा स्कोर होएगा एंड नो मैटर अगर ओवरकास्ट कंडीशन भी हुई या स्टॉपेज भी हुई टीम विल वॉन्ट टू बैट फर्स्ट पहले इंग्लैंड में यूजुअली टीम्स यही करती है इंडिया ने एक बार मिस्टेक की थी बॉलिंग करने की एंड काफी बुरा हारी थी लॉर्ड्स में अगर आपको याद है पिछली सीरीज में तो आई फील दे बैट फर्स्ट इंग्लैंड का प्रीव्यू देखा जाए इंग्लैंड वेल आफ्टर द वर्ल्ड कप दे ड्रू द्रू दू टू एट होम विच वॉज अ बिग बिग लेट डाउन फॉर देम एंड देन दे लॉस्ट न्यूजीलैंड जाके वन जीरो एंड देन साउथ अफ्रीका जाके थ्री वन टेस्ट सीरीज जीती है तो उसके बाद जो श्रीलंका की सीरीज थी वो कैंसिल हुई है तो अगर देखा जाए पिछली सीरीज थ्री वन जीती है अपनी तो कॉन्फिडेंट होगी इस सीरीज में भी दे ऑलवेज डू वेल एट होम जैसे मैंने लिखा है एंड सबको पता ही है कोई भी क्रिकेट देखता है इंग्लैंड घर पर बहुत अच्छा करती है दे हैव द पेस बोलर दे हैव द दे हैव द ब्रॉड्स दे हैव द स्विंग एंड दे डू वेल इनके जो बैट्समैन है ऐसी स्विंग कंडीशन में ही बड़े हुए हैं खेलते हुए है, तो बेटर खेलते हैं देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टोक्स कैप्टन करेगा ये इंपॉर्टेंट है स्टोक्स कल कैप्टन है जो रूट नहीं खेलने वाला है कल बिकॉज उसका बेबी हो रहा है एंड वो अपने बेबी के बर्थ के लिए अपनी वाइफ के साथ है आई टेस्ट चैंपियनशिप देखी जाए 146 पॉइंट्स है थर्ड पोजीशन में है सेकंड में ऑस्ट्रेलिया और नंबर वन पे इंडिया है अगर अगर ये सीरीज़ आराम से जीत गई है ना नेक्स्ट सीरीज़ पाकिस्तान को भी हरा दिया ये लोग आई थिंक या तो टॉप पे नहीं तो सेकंड पोजीशन पे तो आ ही जाएगी इंग्लैंड एंड दे विल वॉन्ट टू प्ले दैट फाइनल ऑफ आई टेस्ट चैंपियनशिप क्योंकि वो होना तो लॉर्ड्स में ही है इंग्लैंड के की प्लेयर्स कौन हैं डोमिनिक सिबली इसका जो फॉर्म है इन साउथ अफ्रीका वॉज वेरी गुड जैसे मैंने लिखा है थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर रन थे फिफ्टी फोर की एवरेज पे एंड वो भी विकेट स्विंगिंग विकेट थी ग्रीन विकेट्स थी एंड ही इज एन ओपनर सिबली विल ओपन द इनिंग्स तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंग्लैंड एंड फॉर योर फैंटिसी टीम इज वेल बेन स्टोक्स वेल सबको पता है बैटिंग हो बोलिंग हो एक जो स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर में एक हीरो आया है इंग्लैंड के लिए वो है बेन स्टोक्स तो बिना सोचे समझे इसको अपनी टीम में तो डाल ही लेना ओली पोप ओली पोप आ, इसने इंडिया के साथ डेब्यू किया था अगर आपको याद होएगा बहुत टैलेंटेड प्लेयर है 266 सिक्सटी सिक्स रन थे एटी एट की एवरेज में वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड एक्सेलेंट एक अटैकिंग प्लेयर है अगर आपको याद है एक ईयन बेल करके प्लेयर होता था बिल्कुल ई बेल की तरह खेलता है स्ट्रोक प्लेयर है बट ही इंजॉयज प्लेइंग ए स्ट्रोक्स एंड स्विंग बॉलिंग तो अच्छा खेलता ही है मगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा फॉर इंग्लैंड तो जब तक ये आएगा बैटिंग करने थोड़ी बॉल पुरानी होगी होगी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ही हैज अ चांस टू स्कोर मोर रन देन एनी ऑफ द टॉप ऑर्डर प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड और फॉर वेस्ट इंडीज देन ए जेम्स एंडरसन वेल स्विंगिंग कंडीशन हो एंडरसन ओवर द विकेट आ रहा हो इनफ सेट गाइज कम ऑन ही विल टेक विकेट ही विल बी अ थ्रेट टू एनी टीम इन इंग्लिश कंडीशन जोफ्रा आचर पेस है एंड ही कैन रियली ट्रैवल हिस ओल्ड कंट्री वर्ल्ड वेस्ट इंडीज का ही है ये वेस्ट इंडीज मतलब कि एक आईलैंड का आई थिंक जमेका का है बट अब इंग्लैंड के लिए खेलता है एंड फुल अपनी कंट्री के अपने बर्थ कंट्री के अगेंस्ट परफॉर्म करना चाहेगा एंड इसकी एक आउटस्विंग होती है जब अगर इसकी आउटस्विंग होने लगे एंड स्पेशली ये जो शॉर्ट बॉल डालता है काफी डेंजरस होती है सो जोफ्रा आचर वेल विल बी अ वेरी 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 बिग थ्रेट एंड शुड बी इन योर टीम एज वेल प्रिडक्टेड इलेवन क्या है इन्होंने अपना थर्टीन मैन स्कोर्ड दिया था वहां से मैंने ग्यारह निकाले हैं एक्चुअली बारह इन अवे रोरी बर्न डोमिनिक सिबली जैक क्रॉली जो डेनली ये होंगे टॉप फोर गाइज काफी यंग है ये टॉप फोर इसलिए अगर वेस्ट इंडीज बॉलर थोड़ा अच्छा अटैक करें अर्ली ऑन एंड कंडीशंस अच्छी हो दे कुड पुट प्रेशर ऑन द इंग्लैंड टीम उसके बाद आएगा बेन स्टोक्स ओली पोप जॉस बटलर फिर है डॉम बेस्ट जो एक स्पिनर है ही है टेकन फाइव विकेट रिसेंटली एज वेल सो इज इन गुड फॉर्म जेम्स एंडरसन ऑफकोर्स इज मेकिंग अ कम बैक आफ्टर इंजरी जोफ्रा आचर एंड एक न्यूज़ आ रही थी कि शायद मार्क वुड खेले स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह क्योंकि दे वांट टू गो विद अ पेस पेस अटैक मार्क वुड बोल्ज वन फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर जोफ्रा आर्चर बोल्जेट वन फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर जेम्स एंडरसन इज अ स्विंग बॉलर एंड देन बेन स्टोक्स तो है ही तो आई थिंक दे माइट डू दैट बट वो हमें मॉर्निंग में ही पता चलेगा एंड जैसे मैंने कहा डॉम बेस्ट ने फाइव विकेट हॉल लिया था विकेट अगर ड्राई होती है ही कैन बी अ थ्रेट बट आई डाउट कोई भी इसको अपनी टीम में लेना चाहेगा क्योंकि एटलीस्ट बेस्ट विल बी बोलिंग टू मेनली ओवर रेट को तेज करने के लिए बॉलिंग करेगा वो यू नो बिकॉज अगर फास्ट बॉलर्स दोनों एंड से बॉलिंग करते हैं तो ओवर रेट स्लो हो सकता है एंड उसकी वजह से टीम को प्रॉब्लम हो सकती है उनको फाइन uh, हो सकता है इसलिए बेस्ट विल मेनली बॉल क्विक ओवर्स इन द मिडिल एंड साथ में बाय द वे जो डेनली भी एक ऑलराउंडर है ही कैन बोल सम लेग स्पिन एज वेल सो रिमेंबर दैट इज़ वेल वैन यू आर पिकिंग योर टीम अब चलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में इंग्लैंड के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है पोस्ट 2019 क्या हुआ है इंडिया गई वेस्ट इंडीज उनको बुरी हार बुरी तरह से 2-0 हराया एंड वो ग्रीन विकेट्स थी बोलर फ्रेंडली विकेट्स थी फास्ट बोलर फ्रेंडली विकेट्स थी सो so, टू जीरो हारी वेस्ट इंडीज उनके बैट्समैन कूड नॉट रिलीव स्कोर रंस अगेंस्ट द इंडियन पेसर्स तो इंग्लिश कंडीशन uh, भी वेरी सिमिलर होने वाली है सो रिमेंबर दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर वेस्ट इंडीज अगेन फिर अफगानिस्तान के साथ वन जीरो जीती एक सिंगल टेस्ट मैच था इंडिया आके खेला था उन्होंने क्योंकि अफगानिस्तान अपने होम टेस्ट घर पर इंडिया में खेलती है सो वन जीरो जीती वो सीरीज एंड वो टेस्ट मैच में भी एक दो स्केयर जरूर दिए अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज देखो टेस्ट मैच की इतनी कुछ खास टीम नहीं है बहुत सडनली जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कोई उनसे कुछ तब जरूर आ जाती है वापस एंड अभी बिकॉज कोविड के बाद वापस क्रिकेट आ रहा है एवरी वन विल बी इक्वली लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग सो मे बी वेस्ट इंडीज़ फाइट हार्ड बट अदरवाइज दे आर बेटर नोन फॉर लिमिटेड ओवर क्रिकेट दे आर नंबर एट आई सी सी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर जीरो पॉइंट्स हैं इनके दो, दो मैच दो विन्स हैं एंड uh, इनके नीचे सिर्फ बांग्लादेश है जिनके तीन मैच तीन लॉसेज हैं एंड लास्ट ओवर जो इंग्लैंड में था

तो ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं उनके इंग्लैंड बोले इंग्लैंड बैटिंग अटैक के अगेंस्ट स्पेशली जो इनके टॉप फोर है इंग्लैंड का वेल ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है सो दे कुड पुट प्रेशर ऑन देम तो कौन है की प्लेयर्स जैसे मैंने बोला शाए होप है इनका एक साउंड बैट्समैन जो है वो है शाए होप दो हंड्रेड्स बनाए हैं फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट रन है सेवन टेस्ट मैचेस में वर्सेस इंग्लैंड तो इसका जो टेक्निक है एक बहुत अच्छा है सेम विथ क्रेग ब्राथवेट ओपनिंग बैट्समैन है पेशेंट प्लेयर है एंड अगेन इसका बहुत अच्छा टेक्निक है एंड दैट इज वाई यू शुड पिक वन ऑफ दीज टू और बोथ ऑफ दम इन योर टीम बट अगेन आई वुड गो फॉर शाई होप बिकॉज थोड़ा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा नंबर थ्री नंबर फोर पे क्रेक ब्रैथवेट ओपन करेगा ही विल हैव टू फेस जेम्स एंडरसन स्विंगिंग द बॉल तो हो सकता है थोड़ा डेंजर हो ब्रैथवेट के लिए के रोच है वेल इज फास्ट इज एक्यूरेट ही ट्रबल्स बैट्समैन इसकी ना बॉल अंदर को आती है यूजली फेस के साथ वो तो ट्रेवल करते ही मगर जब वो बॉल अपनी शेप पकड़ने लगती है और अपनी लाइन रखने लगती है अंदर नहीं जाती बाउंस करने के बाद सीधी निकलती है तब वो असली में ट्रबल करता है बैट्समैन को अगर वो वो बॉल उसको अर्ली मिलने लगी अगर अर्ली इन ए स्पेल ही स्टार्ट बोलिंग दैट बॉल ही कैन रियली टेक क्विक विकेट्स मतलब चार पांच विकेट एक स्पेल पे निकाल लेता है के आर रोच तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा जेसन होल्डर ट्वेंटी थ्री विकेट है इसका अगेंस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इंग्लैंड ही प्लेइंग एंड तो लगता है जो मेन रन स्कोर होने वाला है वेस्ट इंडीज के लिए सीरीज में वो एक्चुअली जेसन होल्डर होने वाला है क्योंकि जब तक वो बैटिंग करने आएगा आई फील टॉप ऑर्डर विल नॉट डू वेल फॉर वेस्ट इंडीज दे विल कीप गेटिंग आउट अगेंस्ट द स्विंग बोलिंग ऑफ इंग्लैंड एंड देन जेसन होल्डर जब तक आएगा बॉल थोड़ी पुरानी हो जाएगी एंड ही विल स्कोर सम रन फिफ्टी सिक्स मार लेगा एंड देन देन गेब्रियल है अगेन इंपॉर्टेंट पिक है लेट आया है इनटू द टीम बट अगेन ही इज फास्ट ही इज एक्यूरेट बट बहुत ही मूडी बॉलर है अगर आपको याद है मुनाफ पटेल ऐसा होता था एक दिन ये आपको फास्ट 150 की स्पीड पे एक स्पेल करके दे देगा और नेक्स्ट स्पीड नेक्स्ट स्पेल में आएगा थका हारा और 120 की स्पीड पे बोलिंग करेगा गेब्रियल तो बहुत ही मूडी क्रिकेटर है एंड यही मेरे को वेस्टइंडीज क्रिकेट के बारे में अब इतना अच्छा नहीं लगता कि उनका प्लेयर एक दिन जो मैच विनर होता है नेक्स्ट डे लिटरली एक सेकेंड ग्रेड टीम का प्लेयर लगता है शानिन गेब्रियल भी वैसा है मगर अगर अगर कंडीशंस इसको हेल्प की एंड पेस बोलिंग इसकी एक्यूरेट रही लाइन एक दो विकेट जल्दी उठा ली देन एम श्योर ही ऑल्सो भी मोटिवेटेड टू डू वेल ही डिड वेल अगेंस्ट इंग्लैंड जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आई थी आई थिंक इसके एक दो फाइव विकेट हॉल्स भी थे तब क्या है प्रिडिक्टेड इलेवन सॉरी यहां पे मैंने इंग्लैंड लिखा है आई मीन विंडीज का प्रडिक्टेड इलेवन देखें क्या है क्रेग ब्रैथवेट एंड जॉन कैम्बल ओपनिंग करेंगे जॉन कैम्बल एक स्ट्रोक प्लेयर है सो आई एम नॉट बैकिंग हिम की एज एन ओपनर इन टेस्ट मैचेज हिल डू सो वेल इन इंग्लैंड दैट टू देन है शाई होप शामार शामुक्स वेरी टैलेंटेड प्लेयर अंडर रेटेड प्लेयर इसने एक फिफ्टी भी मारा था इंडिया के अगेंस्ट इन दो स्विंगिंग कंडीशन तो इसको जरूर लेना रॉस्टन चेज है इसको बोलिंग बॉलिंग भी करेगा तो हो सकता है आपको विकेट्स के साथ थोड़ी बहुत पॉइंट्स दिलवा दे अगर बैटिंग भी करे तो देखो लोअर डाउन दी ऑर्डर ब्लैकवर्ड और चेस आते हैं ब्लैकवर्ड एक अटैकिंग बैट्समैन है तो अगर बॉल पुरानी हो गई एंड इंग्लैंड ओवर अटैक करने लगी ये आपको 60-70 रन मार के 40 बॉलों में भी दे सकता है एक टेस्ट मैच में देन एट डाउरिच अगेन आई एम नॉट बैकिंग हिम मच जेसन होल्डर है आई एम बैकिंग हिम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सीरीज मुझे लगता है विकेट्स भी लेगा एंड रनस भी बनाएगा ये देन है अल्जारी जोजफ या रकीम कॉर्नवॉल में से एक खेलेगा अगेन डिपेंड्स ऑन कितनी ग्रास होएगी सुबह विकेट पे इट ऑल डिपेंड ऑन दैट बट आई फील कॉर्नवाल खेलेगा दिल गो विद दैट बिग स्पिनर ऑल्सो एंड थोड़ा बहुत स्पिन ट्रबल तो करता है इंग्लैंड को चाहे जैसी भी कंडीशन हो सो so हो सकता है कॉर्नवॉलॉल खेले एंड ऑल्सो ये जो टॉप फोर uh, है डेनली सिबली दो तीन इनके लेफ्ट हैंडर्स हैं अर्लिया एंड कॉर्नवाल एक ऑफ स्पिनर है सो मे बी ही प्लेज ओवर अल्जारी जोजफ एंड देन है शैनन गेब्रियअल सो so, ये होगी वेस्ट इंडीज की टीम गाइस मैंने आपको अब दोनों टीम्स दे दी हैं अब मैं आपको एक देना चाहता हूँ एक नई चीज जो मैं शुरू कर रहा हूँ जो है कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस एंड एक्सपर्ट टिप एक कैप्टन ऑप्शंस मैं बोलूंगा बेन स्टोक्स है क्योंकि बैटिंग बोलिंग के साथ दोनों के साथ ऑपरचुनिटी मिलती है शाई होप एंड जेसन होल्डर अगेन बैटिंग बोलिंग के साथ दोनों के साथ इक्वल ऑपरचुनिटी मिलती है सो ही इज अ गुड कैप्टन ऑप्शन एज वेल अगेन विद शाई होप एज वेल आई वुड से क्योंकि हो सकता है अराउंड हिम वन द टीम इज फॉलोइंग अ पार्ट ही कुड स्कोर अंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी एज वेल वाइस कैप्टन कौन है केम आर रोच क्योंकि अगेन एक स्पेल में ये आपको चार पांच विकेट दिलवा सकता है बट या थ्री 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 विकेट दोनों इनिंग्स में आपको लेके आपको पॉइंट जरूर दिलवाएगा तो वाइस कैप्टन के लिए अच्छा है जेम्स एंडरसन अगेन मुझे लगता है ही कैन पिक फाइव विकेट हॉल्स फोर विकेट हॉल्स बट इसको ओवर बोल नहीं करेगी इंग्लैंड क्योंकि अब ओल्ड हो गया है इसकी इसको स्ट्राइक बोलर की तरह यूज जरूर करेगा बेन स्टोक्स मगर ज्यादा बोलिंग करवा दी तो फिर से इंजर हो सकता है सो ही विल बोल यू जैसे वो 14, 15 ओवर्स ओनली तो उसमें तीन चार विकेट उठा सकता है बट आई फील उठाएगा <laughs> उठाएगा ये तीन चार विकेट तो इसको जरूर रखना बाईस कैप्टन आपकी मर्जी है बट टीम में जरूर रखना देन है जो डेनली जो डेनली अगेन टेक्स इस टाइम एज अ स्ट्रोक प्लेयर स्लो खेलता है ढाई बॉल में सॉरी दो सौ बॉलों में हंड्रेड बना के देगा आपको थोड़ी लेग स्पिन बॉलिंग करेगा शायद एक दो क्विक विकेट्स लकी विकेट्स उठा ले सो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलूंगा वाइस कैप्टन रखना अब जो एक एक्सपर्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि पिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड पेसर्स मोर स्पिनर्स छोड़ो इस वाले टेस्ट मैच में क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा पेस को हेल्प मिलेगी तो पेसर्स उठाना अपने बॉलिंग में ऑलराउंडर्स उठाना मगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ज्यादा उठाना देन टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्योंकि न्यू बॉल स्विंगिंग बॉल ग्रीन विकेट आई डोंट थिंक टॉप ऑर्डर में सब परफॉर्म करेंगे मे बी एक प्लेयर आपको एक फाइटिंग 50 60 दे दे मगर जब तक बॉल ओल्ड होएगी तो ओली ऑलीपोप शाय होप इवन शर्मियन ब्लैकवुड ऐसे वाले प्लेयर्स ज्यादा चलेंगे सो so, इनको ज्यादा उठाना अब आपको देता हूं मैं फैंटेसी टीम अच्छा बाय द वे आगे देने से पहले एंड ऑफ दिस एंड तक देखना है वीडियो एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट अब मेरी जो फैंटेसी टीम है वेल well, मैंने कीपर रखा है शाय होप को और बना दिया है वाइस कैप्टन बोला है कि आजा आई नो मैंने यहाँ पे कहा कि इज अ कैप्टन ऑप्शन बट जो कैप्टन ऑप्शन होता है वो हमेशा एक अच्छा वाइस कैप्टन ऑप्शन भी होता है तो कीपर मैंने शाय होप को रख के वाइस कैप्टन बनाया है आप You could even back someone like a Dominic Sibley as a vice captain or a Ollie Pope as a vice captain again because Ollie Pope middle order में batting करेगा run बना सकता है, Craig भी है इस team में and Dominic Sibley भी है Sibley अब opener रखा ही है तो उसको भी back back कर दीजिए vice captain के लिए क्योंकि अगर run बनाएगा तो बड़े बनाएगा नहीं तो नहीं बनाएगा मतलब वही 60-70 तो बना के देगा ही मगर इन low scoring match 60-70 बहुत होते हैं specially test match में ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर है बेन स्टोक से जोर्ड एन लिया एंड कैप्टन बना दिया मैंने बेन स्टोक

की जगह यू कैन पिक अप अ डोमिनिक सिबली एज वेल इन दिस टीम ऑलराउंडर्स कौन है जेसन होल्डर है कैप्टन बनाया बैक कर रहा हूं भाई, विकेट लेगा, भाई, रन मारेगा सही करेगा बेन स्टोक्स एंड चेज ऑलराउंडर लिया है मैंने इस बारी एंड बोलर में वेल आई कांट नॉट टेक के मार रोच और जेम्स एंडरसन एंड जो तीसरा फास्ट बोलर है मैंने कहा अगर मार्क आउट खेलता है मैं उसको डाल दूंगा जोफ्रा आचर की जगह मगर मैं तो बोलूंगा सेफ ऑप्शन है जोफ्रा आचर रिस्की मगर हाई रिजल्ट वाला ऑप्शन है मार्क वुड क्योंकि मार्क वुड भी वैसा बोलर है कि अगर ट्रबल कर दिया ना इसने एक फर्स्ट इनिंग्स में ऐसी टीम को वेस्ट इंडीज जैसे आ, प्लेयर्स को वो सेकेंड इनिंग्स में आके सेवन एट विकेट्स निकाल सकता है सो so, ऐसा प्लेयर फास्ट बॉलर है मार्क वुड अब गाइज एज ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए टेलीग्राम पे एंड गाइज आप आ रही है उसका जो सरप्राइज है वो तो मैं आपको आगे देने वाला हूँ ऐप जरूर डाउनलोड करना कल मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा पूरा कि आपका क्या सीन है एंड कब आ रही है एंड कैसे आ रही है एंड कैसे आपको डाउनलोड करना है एंड अब जो मैं आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं विच बोलर हैज़ द मोस्ट विकेट्स ओवरऑल इन इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट इनकाउंटर्स टोटल में जो मैं कहता हूं टोटल में सबसे ज्यादा विकेट्स इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैचेस में किसकी हैं तो हैंज कमेंट करना नीचे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम भी कॉल आउट करूंगा पहले तीन लोग जो ये सही जवाब देंगे अब गाइज मेरा प्लेयर एंड विनर प्रडिक्शन मुझे एक्चुअली लगता है जेसन होल्डर बैट से सबसे ज्यादा रन मारेगा फॉर वेस्ट इंडीज पता नहीं फीलिंग है एंड मुझे लगता है केमार रोच विल गेट द तो विकेट्स चाहे कितनी भी विकेट्स आ, विकेट्स तो लेंगे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स रन मुझे नहीं पता कितने बनाएंगे विद परफॉर्मेंस uh, मुझे लगता है रोरी बर्न्स अच्छे फॉर्म में है ही माइट स्कोर ऑफ पेशेंट 70 80 100 मुझे नहीं लगता है इस टेस्ट मैच में कोई बनाएगा एंड आई फील कि जोफ्रा आचर विल वे ब्लो वेस्ट इंडीज अ पार्ट ये मेरी प्रिडिक्शन है देखते हैं गाइस थोड़ा बहुत ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फॉर्म पे कह रहा हूँ क्योंकि किसी का 143 डेज से क्रिकेट नहीं हुआ है बट uh, ये मेरी प्रडिक्शन है एंड आई डू फील वेल इंग्लैंड विल विन दिस टेस्ट मैच एंड इट माइट बी अ क्लोज गेम मे बी एक इनिंग्स में इंग्लैंड थोड़ा सा विकेट्स वगैरह लूज कर दे मगर आई फील एंड में आराम से जीतेगी एंड गाइज अब सरप्राइज इज कमिंग द यू गो माई फ्रेंड्स टेंथ जुलाई फ्राइडे बल्लेबाजी नॉक आउट टी टेन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बल्लेबाजी नॉक आउट टी टेन कप वी आर कॉलिंग इट आई नो सिर्फ सेवन मैचेस है बट इट्स बैक गाइज आप लोग तब से पूछ रहे हैं एंड वी आर कमिंग बैक ऑन द टेंथ ऑफ जुलाई फ्राइडे को मैच होएगा टेलीग्राम पे आपसे टाइम पूछूंगा बट वही इवनिंग में गेम्स करेंगे एक घंटा का मैच होएगा क्योंकि टी टेन मैचेज हैं एंड क्या है स्केड्यूल है सब कुछ वो मैं आपको एक वीडियो बना के भी दूंगा प्लस ऑब्वियसली ऐप पे भी सब कुछ मिलेगा ऐप का बारी है उसकी भी डिटेल मैं दूंगा आपको बाद में मगर अभी कल इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज है एंड आई होप दिस वीडियो यू एंजॉयड इट सो लेट द गेम्स अगेन बाय गाइज सी यू सी यू टूमोरो